हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो है, ये एक रिएक्शन की वीडियो और काफी डिफरेंट किस्म की वीडियो। देखते देखते हम आपको अपना देंगे रिएक्शन, और इस वीडियो का नेम है फेक इंडियन रिपोर्टर इन पाकिस्तान एशिया कप 2018 स्पेशल की ये वीडियो है, और ये वीडियो है लोहारी फीड चैनल की। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और उससे मेरा रिएक्शन। नमस्कार, और आज हम मौजूद हैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक सुंदर शहर लाहौर में। यहाँ हम पाकिस्तान की जनता से एशिया कप के हवाले से कुछ प्रश्न करेंगे। देखते हैं पाकिस्तान की जनता ने मेरे प्रश्न के क्या उत्तर दिए। Hey guys, this is your boy Mohammed Arslan Tahir. मैं इस वीडियो को स्पॉन्सर किया ओलम ट्रेड ने, जिसका ऑलरेडी मैं काफी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। मजे की बात यह है कि जो लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो जो उस लिंक के थ्रू खुद को ओलम ट्रेड पर रजिस्टर करेगा उसे 50% बोनस मिलेगा। ऐसी ऑफर 24 घंटे के लिए, इसलिए हरी अब खुद को रजिस्टर करो और 50% बोनस हासिल करो और अच्छे खासे पैसे कमाओ। वेलकम टू पाकिस्तान। क्या बात है, पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। ऐसी क्या वजह है, पाकिस्तान भारत से क्यों जीतेगा? भारत तो लगातार आप 10 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें, भारत ने पाकिस्तान को बहुत से मैदानों में चिट किया है। क्या बात है, मैं इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों को पाकिस्तानी जनता के सामने कि हम पाकिस्तान को चूल्हे पर पानी में भी डुबो। बेहतरीन परमानेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप देखें पिछले दफा जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें पाकिस्तान ने भारत को चिट किया, लेकिन इस बार ये है कि दो मरतबा लग लग कर दिए, लेकिन आप शायद वो बात भूल रहे हो। मौका 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 वैसे भूल रहे, हम लोग आप लोगों को एक समुंदर 5 दरिया 35 नहरों में डूबने का मौका भी नहीं देंगे। आई थिंक होपफुली पाकिस्तान पाकिस्तान बट बाय पिछले जो मैच गए आप भूल गए हो क्या? एक विराट कोहली विराट कोहली क्यों बाहर हुए होंगे? एक ही मैच जीते हो आप, यार वो मैन था मैच, वही एक मैच जीते हो आप लोग। मुझे ये बताओ 10 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो भाई, भारत ने पाकिस्तान को 10 साल मैच जज्बाती कर दिया बंदे को। तो मैं इंडिया नहीं जीतेगी पाकिस्तान से, अभी ये कहानी उल्टी हो गई है मेरे भाई। पाकिस्तानी टीम नमस्कार मैम, मैं दरअसल भारत से हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ पाकिस्तान की जनता 19 सितंबर को मैच को, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच को लेके क्या सोचती है और कौन सी टीम जीतेगी? पाकिस्तान जीतेगी। पाकिस्तान क्यों जीतेगा? भारत घर से गुल्ली डंडा खेलने तो नहीं आया वैसे। नमस्कार भैया, भैया मैं भारत से थोड़ा सा साथ हो जाए। भैया मैं जानना चाहता हूँ पाकिस्तान की जनता 19 सितंबर के मैच को लेके कितना कॉन्फिडेंस में है, कितना पाकिस्तान की जनता जोश में है? उम्मीद तो ये पाकिस्तान जीतेगा। वैसे ये बात है ना कि हिस्ट्री जो है वो चेंज होती है टाइम के साथ साथ, तो क्या टाइम आ गया चेंज भैया? हिस्ट्री इस तरह बदलता है कि जहाँ भारत पाकिस्तान को 300 रन मारता था वहाँ से 400 मारना शुरू करते, 500 ये भी हो सकते हैं कि 300 मारता था आप 100 मार लें। ये बताए पाकिस्तान की टीम में कौन सा प्लेयर आपको ज्यादा पसंद है? आमिर उसको पसंद करने की क्या ऐसी वजह? वैसे ही अच्छा प्लेयर है। पाकिस्तान की तरफ क्या बात है, देखते हैं पाकिस्तानी अवाम का कितना कॉन्फिडेंस है एक भारतीय के सामने, उनको कही जा रहे कि पाकिस्तान जीतेगा इसलिए अभी अभी इंशाल्लाह पता चल जाएगा इंडिया को कि कौन बाप है कौन बेटा है। तुम जो मुंह से निकालो भैया, अगर मैं पाकिस्तान जीत गया ना तो मैं अटेंड कराऊंगा इंशाल्लाह पाकिस्तान, अगर हार गया तो मैं मुंह से कटाऊंगा। पर जैसा कि आपको पता है कि मैं पाकिस्तान में, मतलब कि भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मौजूद हूँ, तो मैं अपने एशिया कप के हवाले से कुछ प्रश्न के उत्तर ले रहा था पाकिस्तानी जनता से। तो इसी दौरान पाकिस्तान की जनता में से कुछ नौजवानों की होती है अचानक से दस्तक,
मैं पहले परेशान हो गया, मुझे मुख्तलिफ अंदेशे होने लग पड़े, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने भगवान से कहा कि हे भगवान मेरी रक्षा करना। और उसके बाद भैया मुझे लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, कोई नहीं होता सच्चे। ध्यान से देखिए इन नौजवानों को जो एक ही मुस्कुराहट में, एक ही लफ्ज में मेरे दिल पे पत्थर फेंक रहे हैं। ध्यान से देखिए इन नौजवानों को, कोई नहीं होता सच्चे, नहीं होता सच्चे। भैया 1900 पाकिस्तान भारत का मैच है, तो ये तो पक्की बात है भारत जीतेगा मैच। नहीं महावीर जी, किसने बोला भारत जी, पाकिस्तान जीतेगा। नहीं ये मैच भारत जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा भाई। क्यों भाई, भैया ऐसे किया क्या बात है, पाकिस्तान क्यों जीतेगा, भारत क्या घर से गुल्ली डंडा खेलने तैयारी है, इंडिया के खिलाफ तो फुल तैयारी है, हर बंदा फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि अब हम पाकिस्तान को रख देंगे। आप तो भाई आप विराट कोहली रात को के चांसेस देखेंगे, विराट को लास्ट टाइम भी जब पाकिस्तान का मैच हारे इंडिया, ठीक है, तो आप देखो कि आमिर ने किस तरह आउट वगैरह किया है। तो भाई आप ये भी तो जानते ना, विराट कोहली वन मैन टीम है, वो वन मैन टीम नहीं है। अगर आपके प्लेयर्स देखें, आपके बैट्समैन काफी ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास बॉलर भी है। मैच एक एंटरटेनमेंट है, लाइफ ये जो पब्लिक है एंजॉय करती है, जो लोग हैं सब एंजॉय करते हैं इसको, हम सिर्फ एक खेलते नजर देखते हैं तो काफी अच्छा है। अगर हम इस खाबाजी में देखें कि हमने इसको बदला लेना, तो ये बस ये तो एक गेम है, ठीक है, और गेम को गेम समझ से खेलें तो फिर दोनों मुल्क के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये है कि मैच बड़ा अच्छा होता है, हर दोनों ममालिक के लोग देखते हैं, इंडियंस भी और पाकिस्तानी भी, तो उसके लिए वो गेम बड़ा एक्साइटेड मैच होता है और सब वेट करते हैं कि यार मैच कब आएंगे पाकिस्तान का, बस इस तरह से मामला चलता है। ध्यान से देखिए नौजवानों को, सितंबर को, और विराट कोहली नहीं खेल रहे मैच है, क्यों नहीं खेल रहा यार, नहीं खेल रहा विराट कोहली, क्यों नहीं खेल रहा, वजह नहीं पता, इसका मतलब है कि तुझसे नहीं होता चीज, कि कहीं आपकी ये खुशफहमी इस वजह से तो नहीं कि विराट कोहली नहीं खेल रहे, पाकिस्तान की खुशफहमी में अगर पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। नो नॉट एट ऑल, बिकॉज़ आई थिंक आई ट्रस्ट माय टीम, बिकॉज़ इन दीस डेज दे आर प्लेइंग वेरी वेल। ठीक है, क्या बात है, थैंक यू मैम, फाइन, क्या बात है, बेहतरीन कमाल ही हो गया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उससे मेरा रिएक्शन, हम बात करेंगे आपसे ऐसी वीडियो के हवाले से, बहुत ही कमाल की थी, इंटरेस्टिंग सी थी, यूनिक सी थी, और लॉरी फीड चैनल की सारी वीडियोज इस तरह बहुत यूनिक और अट्रैक्टिव होती हैं और काफ़ी पुरकशिश होती है, और मैं अक्सर इन पर रिएक्शन वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत बेहतरीन किस्म का ये काम करते हैं, जो कि दूसरों से काफ़ी आप कह लें अलग किस्म का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन किस्म का होता है, कोई कुछ कॉपी नहीं होता, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें इनकी होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं उसमें, चाहे कोई भी मतलब प्रैंक की वीडियो, सोशल एक्सपेरिमेंट हो, या आप कह लें कोई भी मतलब किसी भी हवाले से वीडियो, तो बहुत आला उमदा तरीन किस्म की वीडियो होती हैं। और जैसे कि ये वीडियो थी बहुत ही कमाल की थी, मज़ा है, मैंने भरपूर इसको इन्जॉय किया, और जिस हिसाब से बनाई गई है, पेश की गई है, बहुत ही कमाल की थी, बहुत उमदा और आला तरीन किस्म की थी। और आप एक तरह से कह लें जो मैच हो रहा है, तो इसके हवाले से मैं बात करूं तो खैर मुझे तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैच वगैरह सब चीज़ें कुछ खास पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल भी देखता नहीं हूं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मैं बात कर लेता हूं। तो उस हवाले से वो ये कि जो है ये खेल जो होता है, इसको खेल ही समझना चाहिए, ना कि सीरियस लेना चाहिए, ना कि दिल पर लेना चाहिए। खेल में हार जीत सबकी होती है, एक हारता है, एक जीतता है, और ज़्यादातर जैसे कि वीडियो में बताया गया कि इंडियंस जीतते हैं, तो फिर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस हवाले से कि क्या होगा, मैं एज अ पाकिस्तानी मैं कुछ क्या क्या पेशन गोई करूँ, क्या पता पाकिस्तान जीत जाए, क्या पता फिर से इंडिया जीत जाए, जो कि काफ़ी सालों से जीतता हुआ आ रहा है, और जो कि एक तरह से कह लें लोग जो है इस चीज़ों को काफ़ी सीरियस लेते हैं और काफ़ी सोच विचार करते हैं, फिर लड़ाई झगड़े दंगे फसादात होते हैं सोशल मीडिया पर और मीडिया के ऊपर इसी हवाले से, और काफ़ी ज़्यादा कुछ होता है और देखने में आता है, जो कि बहुत गलत किस्म की बात है, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होता है मैच, स्पोर्ट्स या कोई भी इस तरह की चीज़, तो उसको इसी तरह ही लेना चाहिए, खेल का हिस्सा है, इसमें कोई हारता है कोई जीतता है, एक ना एक को तो हारना पड़ता ही, और जो अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, शानदार परफॉर्मेंस दिखाता है, जम के आप कह लें बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब चीज़ें करता है, तो वो जीत जाता है, तो उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है। और मैच तो लाइव आ रहा होता है, कुछ भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि स्क्रिप्टेड था या फिर फेक था या पहले से फिक्स था, तो मतलब अब
जो कि आप कह लें कि ये सारा कुछ आपका बेस करता है असल आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, जो कि आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो आप जीत जाएंगे, इंडिया दिखाएगा तो इंडिया जीत जाएगा, पाकिस्तान दिखाएगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा। इसमें लड़ाई झगड़े या दो रहा है कि कोई बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो इस सिलसिले में काफ़ी डिस्कशन बहस वगैरह करते हैं, खासकर सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के टॉपिक को ज़्यादा उछाला जाता है और एक तरह से आप कह लें मजाक से स्टार्ट होती है बात, फिर लड़ाई झगड़े का सबब बनती है और काफ़ी मसले मसाइल फिर पैदा होते हैं, जो कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, ना कि आप कह लें कोई वार थोड़ी हो रही है जो कि कौन जीता कौन हारा, जो कि बहुत ज़्यादा ही एक तरह से आप कह लें कि बहुत ज़रूरी मसला बन जाए लोगों का डिस्कस करने का, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाज नहीं आते, जो कि बहुत गलत किस्म की बात है। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट की तरह देखें, एंटरटेनिंग हो और मज़े लें, जो हारा जीता आप देखें घर पे बैठ कर देखें, पॉपकॉर्न खाएं, चिल करें, मज़े करें, फैमिली के साथ देखें, इंजॉय करें, और जो हारता है जीतता है और जो होगा देखा जाएगा, और मज़ा आया इस वीडियो को देख कर। और इसी हवाले से मैं कहूँगा लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, और ज़ाहिर है पाकिस्तानी थे तो वो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे, कहेंगे पाकिस्तान जीतेगा, जबकि हार जीत तो एक तरह से जो कि वही वाली बात कि जो अच्छा करेगा तो वो जीत जाएगा और कुछ नहीं कहा जा सकता इस हवाले से। मैं क्या कहूँ, बस मैं ही कहूँगा मज़ा आया इस वीडियो को देख के, और जो होगा देखा जाएगा और जो कि पता चल जाएगा। जो लोग स्पोर्ट्स की वीडियोस वगैरह या मैच वगैरह इस हवाले से नहीं जानते या नहीं समझते, जैसे कि मुझे भी चीज़ें ये पसंद नहीं आती, तो हमें बस लोगों से पता चल जाता है कौन हारा कौन जीता, हम उसी में खुश हो जाते हैं, हम इस बहस में पढ़ते नहीं जा रहे, हमें क्या मिलेगा इन सब बहसों में पढ़ के, जो कि एक फजूल किस्म की चीज़ें होती हैं। चलिए बस मैं इसी बात से वीडियो को एंड करूँगा, बहुत अलग सी वीडियो थी और देख के मज़ा आया, काफ़ी इंटरटेनिंग भी थी एक तरह से, मैं काफ़ी जस्तजू के साथ देख रहा था क्योंकि देखते देखते दिलचस्पी बढ़ रही थी क्योंकि काफ़ी अलग थी, और एक तरह से आप कह लें लोग जो पाकिस्तानी थे वो काफ़ी जज्बात में उगर मतलब एक तरह से वलवला के इस तरीके से बोल रहे थे, और जो कि मज़ा आ रहा था काफ़ी एक तरह से कि लग रहा था कि हाँ भाई अब तो जीत के आएगा पाकिस्तान। लेकिन चलें देखते हैं क्या होता है, चलें बस मैं इसी बात के साथ एंड करता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उसके मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।